वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। मैं भारतीय राजस्व सेवा का 1995 बैच का अधिकारी हूँ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष की पोजीशन में मैं GSTN में काम करता हूँ। और मैं यहाँ पे आउटरीच और कैपेसिटी बिल्डिंग के की एक्टिविटीज़ देखता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो GSTR 3B है कि रिटर्न फाइलिंग कैसे की जाए, और इसका एक मराठी सेशन भी होने वाला है जो कि 4 बजे होगा, और अभी का पूरा सेशन हम हिंदी में करेंगे। मैं अपने सेशन की शुरुआत अपने दोस्तों का आभार प्रकट करके करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सुश्री सुनीता पांडे का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो उपायुक्त हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग उत्तराखंड में, जिन्होंने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हिंदी में चेंज करने में बड़ी हेल्प की। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों शशि भूषण सिंह, भगवान पाटिल और पंकज अरोरा का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हेल्प की इस PPT को प्रिपेयर करने में और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में, ताकि वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं शिलाऊ राव, जो NEGD टीम के सदस्य हैं, और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी सहायता से मैं ये काम हम लोग GSTN की तरफ से कर पा रहे हैं। और मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपनी IT टीम को, जो कि राजीव के द्वारा लेट की गई है, कि उन्होंने ये पूरा व्यवस्था की। तो ये प्रस्तुतिकरण की, जो आज की प्रस्तुतिकरण है, उसकी रूपरेखा इस तरह की है कि हम GSTR 3B का अवलोकन करेंगे कि GSTR 3B है क्या, और उसके दाखिल किए जाने के तरीके और साधन को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें क्या सूचनाएं हमें भरी जानी है और उसमें कर अदायगी के क्या नियम हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि GSTR 3B कैसे भरा जा सकता है। मेरे पास स्लाइड्स ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उनको कम समय में ही करके आगे बढ़ जाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑनलाइन GSTR 3B भरने का डेमो भी आपको दिखा सकूं। तो आज के प्रस्तुतिकरण का पूरा रूपरेखा ये है। फिर मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा। वो समय कितना समय रहता है हमारे पास, उसका ध्यान रखते हुए हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि GSTR 3B क्या है। तो आपको जैसा पता है कि GSTR 1 और GSTR T Form 2 जो फॉर्म है, वो टैक्स पेयर्स को जमा करना है। वो उसकी एक नॉर्मल डेट जो है 10 तारीख तक और 15 तारीख तक है, हर महीने के बाद की अगले महीने में करना है इसको, लेकिन कुछ कारणों से वो अभी पोस्टपोन किया गया है। और चूंकि व्यापार एवं उद्योग जगत की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, तो माह जुलाई एवं अगस्त का जो GSTR 1 या GSTR 2 भरना है, उसके दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जिसकी तिथियों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और सरकार ने कहा है कि इस GSTR 1 या GSTR 2 की जगह आपको GSTR 3B भरना है। तो जो भी टैक्स पेयर जुलाई के महीने में जो रजिस्टर्ड थे और उन्होंने बिजनेस किया था या नहीं किया था, उनको GSTR 3B भरनी है, जो कि उनको 20 तारीख तक भरनी है। मतलब जुलाई की जानकारी उन्हें अगस्त 20 तारीख तक देनी है। और अगर मान लीजिए बिजनेस नहीं भी किया है, तो उनको एक निल रिटर्न भरना है, जो कि जिसकी फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये भी ख्याल रखें कि GSTR 1 और GSTR 2 आपको बाद में भी फाइल करना पड़ेगा। GSTR 3B किसी रिटर्न का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि GSTR 3B आपने भर दिया तो GSTR 1 और GSTR 2 को आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपको GSTR 3 1 और 2 भी भरना पड़ेगा, 3 भी भरना पड़ेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि किसको भरना है GSTR 3B। तो जिनको भी GSTR 1 और GSTR 2 भरने के लिए सरकार ने नियम में प्रावधान किए हैं, उनको GSTR 3B भरना है। अब इस प्रश्न को हम लोग दूसरे ढंग से देखते हैं कि किन व्यक्तियों को GSTR 3B नहीं भरना है। तो जो ISD हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको GSTR 3B नहीं भरना है। जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, जो कि इंडिया में रेसिडेंट नहीं है जिनका, उनको भी GSTR 3B नहीं भरना है।
कंपोजिशन सप्लायर को जीएसटीआर 3B नहीं भरना है, और जो टीडीएस डिटेक्टर हैं उनको नहीं भरना है, टीसीएस कलेक्टर को भी नहीं भरना है, और ओआईडीएआर मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज वालों को भी जीएसटीआर 3B नहीं भरना है। और ये वो टैक्स पेयर है जिनको जीएसटीआर 1, 2 और 3B नहीं भरना है, मतलब जीएसटीआर 3B उन टैक्स पेयर्स को भरना है जिनको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 भरने की की जिम्मेदारी सरकार ने उनको दी है। सामान्यतः जीएसटीआर 3 जो है वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 के भरे जाने के बाद स्वतः ही निर्मत होगा, मतलब जैसे ही जीएसटीआर 1 आप दाखिल करेंगे, आप जीएसटीआर 2 दाखिल करेंगे, सामान्यतः आपका जीएसटीआर 3 बन जाएगा। लेकिन जीएसटीआर 3 पार्ट बी जो है वो ऐसा नहीं है, आपको जीएसटीआर 3B खुद ही भर के जमा करना है, आपको पोर्टल पे आके ऑनलाइन आके सबमिट करना है। अच्छा, अब ये होता है कि जीएसटीआर 3B में की जानकारी भरने के लिए एक आसान सा उपाय ये है कि आप पहले से ही आप अपना जीएसटीआर 1 पूरी तरह से भर दें, तो आप अब जब लॉगिन करेंगे तो आपको कंसोलिडेटेड फिगर बहुत सारी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो अगर जीएसटीआर 3B भरना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप पहले से जीएसटीआर 1 भर लें ताकि कंसोलिडेटेड फिगर आपके पास पहले से रहे। जीएसटीआर 3 के पार्ट बी में केवल कर भुगतान की घोषणा करनी है जो कि सामान्यता है, और उसको फिर आप दाखिल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जीएसटीआर 3 जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 से बनेगा, और कर भुगतान की घोषणा करने के बाद आप जीएसटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्थिति में GSTR 1 या GSTR 2 के दाखिल करने की तारीख सरकार के द्वारा बढ़ा दी जाती है तो आपको GSTR 3 को निम्न घोषणाओं के साथ अगले माह की 20 तारीख तक दाखिल किया जाना होगा, जैसे कि कर योग सप्लाई एवं इस पर दे कर, मतलब कि जो भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, कर योग सप्लाई की है और उसमें जो टैक्स पेएबल है इस पे जो कर दे है वो आपको GSTR 3B में घोषित करना है। आपको रिवर्स चार्ज में जो कर आपको देना है, जो सप्लाई आपने रिसीव की है, जो आपको प्राप्त हुई है, उसको भी आपको देना है अपने जीएसटीआर 3B के रिटर्न में। आईटीसी का जो आपके पास एडमिसेबल आईटीसी है और जो इनएडमिसेबल आईटीसी है, जो स्वीकृत है और जो अस्वीकृत है, मतलब जो आपको अलाउएबल नहीं है, एडमिसेबल नहीं है, उसकी भी घोषणा आपको इसमें करनी है, और जो कर आप जमा करेंगे वो भी आपको इसमें घोषित करना है। तो जीएसटीआर 3B में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसोलिडेटेड फिगर देनी है, मतलब आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कंसोलिडेटेड फिगर देनी है, मतलब कि आपकी टोटल फिगर्स कितनी है वो आपको भरनी है। तो जीएसटीआर 3B में आपको ये इंफॉर्मेशन सरकार को भरनी है और ये आपको 20 तारीख तक देनी है, मतलब जो भी करदाता जुलाई में थे उनको ये इंफॉर्मेशन सरकार को 20 अगस्त 2017 तक दाखिल करना है। अब दोस्तों, कभी कभी ये स्थिति हो सकती है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 दाखिल हो गया है और उसके बाद जीएसटीआर 3B दाखिल किया जा रहा है, तब जीएसटीआर 3 की क्या स्थिति होगी? तो जैसा हमने अभी देखा था कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 के बेसिस पे पार्ट ए ऑफ जीएसटीआर 3 बन जाएगा, और पार्ट बी में आके उसको अपने कर के बारे में घोषित करना है कि उसको करदाता अपने कर को कैसे भुगतान करना चाहता है, कितना वो क्रेडिट से भुगतान करना चाहता है, कितना वो कैश से भुगतान करना चाहता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि जीएसटीआर 1 भर दिया गया है, जीएसटीआर 2 भर दिया गया है, तो क्या होगा? तो अगर ऐसा हो गया है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 भर दिया गया है तो जीएसटीआर 3 का पार्ट ए ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मतलब जीएसटीआर 3 का जो पार्ट ए की इंफॉर्मेशन है वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑटोमेटिकली बन जाएगी और वो पोर्टल में करदाता को नजर आएगी। अब उसका दूसरा पार्ट होता है जिसमें कि वो इंफॉर्मेशन को पे करेगा, मतलब अपने टैक्स को वो पे करेगा और उससे संबंधित जानकारी पार्ट बी में देगा। और मान लीजिए कि जीएसटीआर 3 भरने की डेट बढ़ा दी गई है और किसी करदाता को उस समय जीएसटीआर 3B दाखिल करना पड़ गया, तो क्या होगा? तो आपको क्या होगा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 3B में दी है वो ऑटोमेटिकली पार्ट बी में, जीएसटीआर 3 के पार्ट बी में करदाता को नजर आएगी। और अगर मान लीजिए कर का भुगतान
उसका कम हुआ है GSTR 3B में, तो GSTR 3 में वो अपने रिमेनिंग कर का भी, बचे हुए कर का भी भुगतान कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि जो GSTR 1 और GSTR 2 के बेसिस पे GSTR 3B भरी गई और कुछ और कर की अदायगी आ गई, तो GSTR 3 भरते वक्त उस कर को वो चुकता कर सकता है। मतलब ये स्थिति उस समय की है जब GSTR 1 GSTR 2 भर दिया गया, लेकिन GSTR 3 भरने की स्थिति आगे बढ़ा, टाइमलाइन आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी जो इस जिस महीने में अभी हम लोग हैं, इसमें GSTR 1 नहीं भरा है, GSTR 2 भी नहीं भरा है, और आपको GSTR 3 भी भरना पड़ रहा है, और ये आपको 20 अगस्त 2017 तक करना है। अगर कोई पंजीकृत करदाता किसी विसंगति के होने पर, यदि कोई है विसंगति कोई है, तो GSTR 3 के बी भाग को संशोधित कर सकता है, लेकिन तथा अपनी करदाता यदि कोई है को उसका भुगतान करके समाप्त भी वो कर सकता है। मतलब ये है कि कोई भी करदाता को किसी भी विसंगति है और उसने उसको सबमिट नहीं किया है, तो वो उसको सबमिट करने से पहले उसकी चेंजेस वो कर सकता है। GSTR 3 की ITC की धनराशि GSTR 3B की ITC की धनराशि के अधिक होने की स्थिति में अधिक ITC की धनराशि करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि दो तरह की स्थितियां हैं, कि GSTR 3B में हमने कम कर चुकाया है और GSTR 3 में हमारी लाइबिलिटी ज्यादा आ रही है, तो GSTR 3 में आप उसको कर भुगतान कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि GSTR 3B में हमने ज्यादा कर भुगतान कर दिया है और GSTR 3 में फाइनली हमारी कर भुगतान करने की की जो संख्या है या जो भी लाइबिलिटी है वो कम आ रही है, तो वो आपके ITC लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी। मतलब दोनों ही समय में GSTR 3B की इंफॉर्मेशन GSTR 3 के साथ कोरिलेट की जाएगी और उसको करदाता को उसकी उसका जो भी लाभ है या जो भी उसको इंफॉर्मेशन है वो उसको दे दी जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये जो स्लाइड है वो ये दिखाती है कि GSTR 1 2 और 3 दाखिल करने की क्या तिथियां हैं। तो GSTR 1 भरने की अगर हम जुलाई के महीने का देखें तो 1 से 5 सितंबर तक करदाता को अपनी GSTR 1 भरनी है, और GSTR 2 6 से 10 सितंबर तक उसको भरनी है, और GSTR 3 जुलाई के महीने की 11 से 15 सितंबर तक भरनी है। लेकिन अगर आप पहला कॉलम देखें तो GSTR 3 भी उसको 20 अगस्त में दाखिल करना है। उसी तरह से अगस्त माह की GSTR 1 उसको करदाता को 16 से 20 सितंबर तक भरनी है, GSTR 2 को 21 से 25 सितंबर तक भरनी है, और जुलाई अगस्त के महीने का जो उसको GSTR 3 भरना है वो 26 से 30 सितंबर तक करना है। लेकिन GSTR 3 भी अगस्त के महीने का करदाता को 20 सितंबर तक भरना है। तो ये डेट्स हैं जिसकी अधिसूचना की गई है। तो नॉर्मली GSTR 1 और GSTR 2 को भरने की तारीख 10 और 15 होती है, GSTR 3 की तारीख 20 होती है, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में चूंकि ये तिथियां बढ़ा दी गई हैं, इसी कारण GSTR 3 भी करदाता को जुलाई के महीने की 20 अगस्त को और अगस्त के महीने की 20 सितंबर तक भरनी है। तो ये GSTR 3B जो है वो समान समस्त समान करदाताओं को, जो जैसे कि हमने देखा ISD को छोड़ के, TCS TDS नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को छोड़ के समस्त समान करदाताओं को अगले महीने की 20 तारीख तक भरनी है। और ये क्या आगे भी भरना है, मतलब अगस्त के महीने के बाद सितंबर का माह है तो उस समय भी भरना है? ये उस तरह से नहीं भरना है। जब जब सरकार इसके बारे में अधिसूचना जारी करेगी, मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा कि इस महीने की GSTR 3B आपको भरनी है, तो आपको उस महीने की GSTR 3B भरनी पड़ेगी। नॉर्मली GSTR 1 GSTR 2 और GSTR 3 ही करदाता को दाखिल करना है। तो जब भी सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करेगी, अधिसूचना जारी होगी, तो करदाता को GSTR 3 भी भरना पड़ेगा 20 तारीख तक। माह जुलाई 2000 से संबंधित GSTR 3 भी अगस्त 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से भरनी है, और शून्य विवरणी भी भरी जा सकती है। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस नहीं किया है, आपके पास कोई इनपुट नहीं आया है, आपने कोई सप्लाई नहीं की है, आपके ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है, तब भी आपको शून्य विवरणी भरना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस नहीं किया तो आप GSTR 3B भरने से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है, आपको GSTR 3B भरना पड़ेगा। और अगर आपने देर से भरी है GSTR 3B, जो कि आज की डेट में तारीख जुलाई के महीने की 20 अगस्त है, तो आपको विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा,
और जो ब्याज के नियम है, मान लीजिए आपने अपना कर 20 तारीख तक नहीं चुकाया है, तो ब्याज के नियमों के अनुसार आपको अपने ब्याज भी सरकार को पे करना पड़ेगा। तो GSTR 3 भी आपको समय पे दाखिल करना बहुत जरूरी है। तो अब GSTR 3 भी कैसे भर सकते हैं? आप पोर्टल पे जाकर अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन अपना यूजर नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने GSTR 3B की विभिन्न बातों को आप उसमें प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो GST सुविधा प्रदाताओं यानी कि उनकी सुविधा GSP के द्वारा भी अपने GSTR 3B को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब हम ये हमारा पहला पार्ट था कि हमने GSTR 3B के बारे में देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि GSTR 3B में क्या क्या चीजें आती हैं और आपको क्या क्या चीजें भरनी है। ये हमारे प्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट है। तो अब हम देखें कि GSTR 3B में आप जब भी लॉग इन करेंगे तो आपका GSTIN नंबर और आपका जो टैक्स पेयर का नाम है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपका GSTIN नंबर आपके यूजर नेम और पासवर्ड से लिंक है, तो वो आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आप फिजिकल फॉर्म देखेंगे तो उसमें वो ब्लैंक स्पेस दिखाया गया है, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको भरना है, वो भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो पार्ट जो नाम है आपका और जो आपका GSTIN नंबर है वो ऑटोमेटिकली फिल होगा। तो अब हम जो देख रहे हैं वो आपका पार्ट 3 है, पार्ट नंबर 3। तो इसमें क्या आप भरना है? आपको आपूर्ति के बारे में भरना है, मतलब जो सप्लाई आपने की है उसके बारे में भरना है। तो इसके 5 भाग हैं, अगर आप देखें इनके 5 भाग हैं। पहला तो ये है कि कर योग्य बिक्री, मतलब टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें कर बनता है, जिसमें आपको टैक्स देना है। जैसे कि इसमें आपने किसी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई किया है, आपने बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई किया है, तो वो सारी जानकारी आपको इस हेडिंग में देनी है, कर योग्य बिक्री के अंदर में। लेकिन इसमें आपको जो जीरो रेटेड सप्लाई है, निल रेटेड सप्लाई है या कर मुक्त सप्लाई है, वो आपको इस में नहीं देना है। तो 3.1A जब आप भरेंगे तो कर योग्य बिक्री जो है वो आपको इसमें डालनी है। इसके बाद अगला भाग आता है। तो अगर आपने देखा 3.1A में आपको जीरो रेटेड नहीं भरना है, वो आपको 3.1B में भरना है, कर योग्य बिक्री जीरो रेटेड। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? जो कि आपने या तो एक्सपोर्ट किया है या आपने SEZ को सप्लाई किया है या किसी SEZ डेवलपर को सप्लाई किया है, तो कर योग्य बिक्री उसके अंदर आती है, जीरो रेटेड। सी आप देखें, अन्य कर योग्य बिक्री, जो कि निल रेटेड या कर मुक्त है, मतलब जिसमें GST एप्लीकेबल है लेकिन सरकार ने उसको जीरो रेट पे किया है या उसको कर से मुक्त कर दिया है, तो वो बिक्री आपको यहाँ पे दिखानी है 3.1C। अगर आप देखें 3.1A में वो आपके इसमें नहीं दिखाया गया था, जीरो रेटेड, निल रेटेड और कर मुक्त वहां से हटा दिया गया था। अब आप देखें 3.1D में आपको रिवर्स चार्ज के योग बिक्री आपको यहाँ पे दिखानी है, मतलब रिवर्स चार्ज जो कि आप देखें सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) से आती है। सेक्शन 9(3) उनके लिए है जो कि नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है, सरकार उनको नोटिफाई करेगी, उसके बेसिस पे आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 9(4) है, 9(4) में आपको अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का सामान आप एक दिन में प्राप्त करते हैं और वो अनरजिस्टर्ड डीलर से आपको प्राप्त हुआ है, तब आपको रिवर्स चार्ज के बेसिस पे आपको उसका पेमेंट करना है। तो उसकी सारी उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है 3.1D में। और 3.1E में क्या दिखाना है आपको? नॉन GST बिक्री, मतलब जिसमें GST एप्लीकेबल नहीं है, मान लीजिए कि आपने अल्कोहल की सप्लाई की है, तो वो बिक्री यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी जो कि GST के दरमियान में नहीं आती है और वो नॉन GST बिक्री कहलाई जाएगी और वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो 3.1 में अगर आप देखें तो आपने पूरा अपनी सप्लाई के बारे में जानकारी दी गई है, दी है तो कर योग्य बिक्री के बारे में दी है, जीरो रेटेड के बारे में दी है, निल रेटेड और कर युक्त के बारे में, कर मुक्त के बारे में दी है, रिवर्स चार्ज के अंदर दी है और नॉन GST के बिक्री के बारे में दी है। तो आपको कंसोलिडेटेड फिगर देनी है, मतलब फिगर पूरी आपको देना है कि टोटल मेरी सप्लाई इतनी है, ऐसे आपको ये फिगर उसमें देनी पड़ेगी और उसमें कितना टैक्स लेवेबल है वो भी आपको इसमें देना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 3.2 में।
सेक्शन 3.2 में आपको अपंजीकृत व्यक्ति को की गई सप्लाई के बारे में देना है, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना है ये इंटर स्टेट है, मतलब उसको नहीं देना है, उस सप्लाई की डिटेल्स इसमें नहीं देनी है जो कि आपने उसी स्टेट में की है। अगर मान लीजिए आपको जैसा पता है कि जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन राज्य की बेसिस पे है या यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे है, तो अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ही आपने कोई सप्लाई की हुई है आप पंजीकृत व्यक्ति को, तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखानी है। और इस बात का ख्याल रखिएगा ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके 3.1 की इन्फॉर्मेशन की पार्ट इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी आपने सप्लाई बिजनेस टू बिजनेस को की है, किसी रजिस्टर्ड डीलर को दी गई है और नॉन रजिस्टर्ड को दी है, या आपने किसी समाधान के अंतर्गत करयोग्य व्यक्ति को दी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने 3.1 में दी होगी। मतलब अपंजीकृत व्यक्ति को सप्लाई आपने 3.1 में दी है, समाधान के अंदर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, करयोग्य व्यक्ति है, तो उसको आपने उसका जो डाटा है आपने 3.1 में दिया है, और UIN धारकों को भी आपने सप्लाई की है वो 3.1 में आपने दी हुई है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चुन के वो आपको 3.2 में दिखानी है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसकी पार्ट है। तो अपंजीकृत व्यक्ति को आपने कोई सप्लाई की है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है, लेकिन इसका बात का ख्याल रखें इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में होगी। अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली से बाहर आपने अपंजीकृत व्यक्ति को किसी को भी आपने सप्लाई की है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने किसी समाधान कंपोजिशन डीलर को कोई माल सप्लाई किया है तो उस के बारे में जानकारी भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई UIN धारकों को दिया है सप्लाई तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। मतलब सारी इंटर स्टेट सप्लाई देनी है जो कि आपने अपने राज्य से बाहर दी है, अपंजीकृत व्यक्ति को, समाधान में काम करने वाले को या UIN धारकों को दी है, तो आपको यहाँ पे उसका दिखाना है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन 3.1 का एक पार्ट है। इसमें आपको IGST के बारे में देना है और टोटल टैक्सेबल सप्लाई के बारे में देना है, कर योग्य जो आपने सप्लाई की है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और सेस के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि इस तरह की सप्लाईज में जो सेस आप पे कर रहे हैं उसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं चाहिए, इसी कारण सरकार ने इस फॉर्म में, इस पर्टिकुलर फॉर्म के सेक्शन में सेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आपको सप्लाई नहीं करना है, कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं देना है। अब हम आते हैं चौथे फोर्थ पार्ट में कि GSTR 3B के चौथा पार्ट क्या है। ये आपके ITC के बारे में बात करता है, अनुमन्य ITC। अनुमन्य ITC मतलब एलिजिबल ITC, जो ITC आपको एलिजिबल है उसके बारे में चर्चा इसमें होगी। तो इसमें आपके पास आपके चार सेक्शन है। इस चार सेक्शन में पहला है कि जो ITC आपको उपलब्ध है, मतलब जो भी ITC आपके पास जुलाई के महीने में आया, अगर हम अगस्त में जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं केवल उसकी बात करें तो जुलाई के महीने में जो उपलब्ध ITC है उसके बारे में विवरण आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशनल ITC का क्या होगा। ट्रांजिशनल ITC का फॉर्म अभी पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है, जब भी वो पोर्टल में उपलब्ध होगा तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन वहां पे आप भर सकते हैं, लेकिन अभी इस फॉर्म में उसका लाभ आप नहीं उठा सकते। तो चार मुख्य भाग ये क्या है, उपलब्ध ITC मतलब वो ITC जिसके बारे में आप एलिजिबल हैं, जिसके बारे में आपको वो ITC अवेलेबल है जुलाई के महीने का। ITC अस्वीकार मतलब कि जो ITC आपको रिवर्स करना है, मतलब जैसे कि जो नियम 42 या नियम 43 के अनुसार है, नियम 42 में वो इनपुट या इनपुट सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल आपने ड्यूटेबल प्रोडक्ट टैक्सेबल प्रोडक्ट के सप्लाई के लिए किया या और नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी किया, तो वो GSTR वो आपको नियम 42 के अंदर उसका ITC जो आपने नॉन टैक्सेबल के लिए इस्तेमाल किया है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। और नियम 43 के अनुसार जो कैपिटल गुड्स का आपने इस्तेमाल किया टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करने के लिए या टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ नॉन टैक्सेबल के लिए भी इस्तेमाल किया, तो उसमें जो क्रेडिट गया नॉन टैक्सेबल के हिस्से में कैपिटल गुड्स का, वो आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। इसके अलावा जो ITC आपको रिवर्स करना है, इसके अलावा जो नियम 42 या नियम 43 में नहीं आता है वो आपको अन्य के अंदर आपको दिखाना है। सी जो है उपलब्ध कुल ITC आपको देता है, वो आपने उपलब्ध ITC ए में है, बी में आपका ITC जो आपको रिवर्स करना है, सी में जो है आपका दोनों को अगर आप माइनस कर दें तो उपलब्ध ITC आपको अवेलेबल हो जाता है।
डी में देखें तो अयोग्य आईटीसी, मतलब जो आईटीसी आपको एलिजिबल नहीं है, जैसे नियम 17(5) के आईटीसी जो कि आपको एलिजिबल नहीं है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जैसे कि जैसे कि कोई गुड्स है जो कि लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया और वो टैक्सेबल सप्लाई हो नहीं पाई, तो जो इनपुट उसके उसमें गया है, जिसका क्रेडिट लिया गया है, वो 17(5) के अनुसार आपको रिवर्स करना है, तो वो D1 में आपको दिखाना हो। और 17(5) के अंदर जो अस्वीकृत अयोग्य आईटीसी है, वो उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा आईटीसी है वो आपको D1 में दिखाना पड़ेगा। तो ये अनुमन्य आईटीसी की ये चार भाग हैं। अब हमने पहला भाग नहीं देखा था, अब हम पहला भाग ए देखते हैं। तो हमने तो ये देख लिया कि रिवर्स चार्ज में क्या है, अस्वीकृत आईटीसी क्या है, उपलब्ध आईटीसी क्या है जो कि सी में है, और डी में हमने देख लिया कि आईटीसी इनएलिजिबल क्या है। अब हम देखते हैं कि उपलब्ध आईटीसी कौन सी है। तो उपलब्ध आईटीसी आपका सबसे पहला आता है माल का आयात। अगर आपने कोई माल का आयात किया है, इम्पोर्ट किया है, उसका अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं तो वो आपको 4A(1) में दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्विसेज का आयात किया है, उस पर अगर आपको कोई आईटीसी अवेलेबल है तो आप 4A(2) में दिखाएंगे, फॉर्म GSTR 2 3B के 4A(2) में आप सर्विसेज से, जो इम्पोर्टेड सर्विसेज है उससे रिलेटेड आप आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 4A(3) में रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कोई इनवर्ट सप्लाई हुई है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन 1 और 2 के अलावा, मतलब जो आपने आईटीसी 1 और 2 में दिखा दिया है रिवर्स चार्ज के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। इसमें मोस्टली 9(4) या 9(3) के अंदर, सेक्शन CGST एक्ट के अंदर जो भी आती है वो यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज के अंदर में यहाँ पे दिखानी है। चौथे में ISD, मतलब कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, आपने एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है और उसने आपको कोई क्रेडिट आपको पास ऑन किया है, तो वो आपको 4A(4) में दिखाना है। तो अगर आप इन चारों को अलग कर दें, मतलब माल के आयात करने पे मिली आईटीसी, सर्विस के आयात करने पे मिली हुई आईटीसी, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत मिली आईटीसी और आईएसडी के अंतर्गत मिली गई मिली हुई आईएसडी के द्वारा मिली हुई आईटीसी, अगर इन चारों को हटा दें तो बची हुई सारी आईटीसी आपको 4A(5) में दिखानी है। तो इस तरह से आपको पूरी आईटीसी अपनी कंसोलिडेटेड फिगर आपको यहाँ पे दिखानी है। तो ये रहा अनुमन्य आईटीसी जो कि आपको अपने GSTR 3B में, जिसकी विवरण आपको सरकार को देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि TDS और TCS क्रेडिट आपको कैसे दिखाना है। तो ये मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, 6.2 पे मैं आ गया हूँ, लेकिन बाकी 5 को भी हम कवर करेंगे और वापस आके अगले स्लाइड में उसको देखेंगे। तो अगर TDS और TCS से रिलेटेड कोई क्रेडिट आपके पास आता है तो वो आप 6.2 में दिखाएंगे। एकीकृत कर, मतलब कि आपका जो है इंटीग्रेटेड टैक्स, एकीकृत कर मतलब होता है कि जो इंटीग्रेटेड टैक्स वो हुआ, केंद्रीय कर जो हुआ वो आपका सेंट्रल टैक्स हो गया, राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कर यानी कि आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी टैक्स जो है वो आपका चौथे कॉलम में आएगा। तो आप TDS का कर जो आपको अवेलेबल है, TCS का कर जो आपको क्रेडिट अवेलेबल है, वो आप 6.2 में जी फॉर्म GSTR 3B में दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई जीरो रेटेड सप्लाई है और उसके बारे में अगर आपको दिखाना है तो वो आप यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि जीरो रेटेड हुआ, नॉन GST हुआ, या कर मुक्त वस्तुओं से रिलेटेड खरीद है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। वो आपका पॉइंट नंबर 5 पे आता है, फॉर्म GSTR 3B के पॉइंट नंबर 5 में आपको दिखाना है जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपने की है या नॉन GST कर की है या कर मुक्त सप्लाई दी है, उसमें आपको आपूर्ति की प्रकृति देनी है कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, जीरो रेटेड है, नॉन GST है या कर मुक्त है, उसमें इंटर स्टेट सप्लाईज कितनी है, अंतर प्रांतीय आपूर्ति कितनी है और प्रांतीय आपूर्ति कितनी है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई कितनी है, मतलब आपको जीरो रेटेड, नॉन GST और कर मुक्त वस्तुओं की खरीद के बारे में यहाँ पे देना है। तो ये आपकी जो है इनवर्ट सप्लाईज है जो कि आपने वस्तुओं को खरीदा है, अपने आपने प्राप्त की है, आपूर्ति की प्रकृति क्या है, जीरो रेटेड आपने कितना सामान खरीदा, नॉन GST सामान आपने कितना खरीदा और कर मुक्त वस्तुओं को आपने खरीदा, वो यहाँ पे 5 नंबर में आपको फॉर्म GSTR 3B के उसमें आपको दिखाना है, और वो आपको दिखाना है कि अंतर प्रांतीय कौन से हैं और प्रांतीय आपूर्ति कितनी
कौन सी है। अब हम आते हैं पेमेंट में, तो ये 6.1 है जिसमें आप कर का भुगतान करेंगे। तो अगर आप देखें कि इसके चार मुख्य पार्ट हैं, IGST, CGST, SGST और सेस। SGST के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो वो UTGST को भी इंक्लूड करता है। तो आपको विवरणी क्या क्या देनी है, सबसे पहले तो आपकी देय कर कितना है, टोटल टैक्स पेबल कितना है। जब आप पोर्टल में इस फॉर्म को भरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि ITC से आप कितना पे कर रहे हैं, IGST, CGST, SGST का इस्तेमाल करते हुए आप कितना पेमेंट कर रहे हैं या सेस का पेमेंट कितना कर रहे हैं ITC के द्वारा। उसके बाद अगला कॉलम आता है 7 नंबर कॉलम, जो कि देय कर TDS या TCS के द्वारा आप कितना देय कर करते हैं। इसके अलावा 8वां कॉलम आता है जिसमें आप नकद जमा करने के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि नकद आपने कितना पेमेंट किया है। इसके अलावा 9वें नंबर पे आप देखेंगे अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो 9वें नंबर पे आएगा, और या आपने कोई विलंब शुल्क पे करना है आपको तो वो 10वें नंबर पे आएगा। मतलब आप इसमें दे कर का डिक्लेरेशन आता है जो कि ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, आपने ITC से कितना पे किया वो 3, 4, 5, 6 से आता है, और 7 नंबर में आप TDS, TCS के बारे में देते हैं, 8 नंबर में नकद जमा करने के बारे में देते हैं। तो आपको एक कंसोलिडेटेड फिगर सरकार को देनी है जिससे सरकार को ये पता चल जाए कि आपने कितना टैक्स पे किया है। तो ये 6.1 की इंफॉर्मेशन है फॉर्म GSTR 3B की, जो कि आपको सरकार को देनी है। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि आपने कुछ अपना ITC पे किया था। ये स्लाइड जो आपको बताती है कि ITC के नियम के इस्तेमाल करने के क्या नियम है, तो प्राथमिकता के अनुसार आपको ITC का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम IGST क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम IGST क्रेडिट का इस्तेमाल IGST पेमेंट के लिए किया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास IGST क्रेडिट बन जाता है, बच जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल CGST पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपका IGST क्रेडिट बचता है तो आप उसका इस्तेमाल CGST पे करने के लिए कर सकते हैं। तो ये IGST क्रेडिट का इस्तेमाल करने का तरीका था। अब आती है CGST क्रेडिट। CGST क्रेडिट का सबसे पहले इस्तेमाल आप CGST पेमेंट करने के लिए करेंगे, उसके बाद अगर वो बचता है तो आप IGST क्रेडिट का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से CGST या यूनियन टेरिटरी का क्रेडिट जो है आप सर्वप्रथम CGST या UTGST पेमेंट करने के लिए करेंगे, उसके बाद अगर कर बच जाता है, क्रेडिट बच जाता है, तो उसका इस्तेमाल आप IGST पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको अपना रिटर्न भरना है। अब हम तो हमने GSTR 3B देख लिया। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि 3.1 में आपको अपनी पूरी सप्लाईज के बारे में डिटेल देनी है, उसके बाद 3.2 में उन सप्लाईज में से कुछ आपने कंपोजिशन डीलर को या किसी और को सप्लाई किया है, UIN को सप्लाई किया तो उसके बारे में देना है। उसके बाद 4 में हमने देखा कि किस तरह का क्रेडिट के बारे में आपको डिक्लेरेशन देना है, आपके ITC का रिवर्सल के बारे में देना है। 5 में हमने देखा कि नॉन GST सप्लाईज के बारे में आपको डिक्लेरेशन देना है। 6 में हमने क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि हस्ताक्षरित करने के क्या तरीके हैं। तो जो कंपनीज हैं वो कंपनीज के लिए DSC का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। DSC का इस्तेमाल आप क्लास 2 या क्लास 3 के DSC का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी कंपनीज नहीं हैं उनको वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करके GSTR 3B का को आप भर सकते हैं। तो रिटर्न भरने के सबमिट करने के 2 तरीके हैं, एक DSC का इस्तेमाल करें, दूसरा EBC का इस्तेमाल करें। कंपनीज के लिए DSC का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन बाकी जो करदाता हैं वो DSC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और EBC कोड का भी इस्तेमाल करके अपने रिटर्न को भर सकते हैं। तो DSC किस क्लास का होना चाहिए, वो DSC क्लास 2 या क्लास 3 का होना चाहिए। तो GST पोर्टल भारतीय प्रमाणीकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी प्रकार के क्लास 2 एवं क्लास 3 पैन बेस्ड DSC को स्वीकार करता है, और मोबाइल पर EBC के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। अच्छा, DSC के प्रयोग हेतु ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 10+ होना चाहिए, फायरफॉक्स 45+ वर्जन होना चाहिए, और जो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप
वो करते हैं उसके लिए वेरियस वर्जन जो है, विंडो जो है 32/64 बिट का होना चाहिए, और कोई इनमें से कोई भी एक पोर्ट खुला होना चाहिए, 1645, 8080, 1812, इनमें से कोई भी एक पोर्ट खुला होना चाहिए। और ये डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानकारी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसके बारे में सारी जानकारी हमने पोर्टल में दी हुई है, ब्रीफली यहाँ पे भी दिया गया है, जिसके बारे में आप बाद में देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जीएसटी पोर्टल पे काम करते वक्त कभी कभी कुछ मुश्किलें आती हैं, तो टैक्स पेयर करदाता उस बारे में क्या कर सकता है? तो क्या टैक्स पेयर के लिए हमने एक हेल्प सेक्शन दिया हुआ है www.gst.gov.in पे, वो सहायता पटल पे जाकर वो वहाँ पे अपना वेब एक वो भी देख सकता है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल देख सकता है, वो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस देख सकता है, जो सामान्यतः बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो यूजर मैनुअल का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उसकी लिंक हमने नीचे दी है, ये लिंक को कॉपी पेस्ट करना आपके लिए शायद मुश्किल होगा, आप सीधा सीधा www.gst.gov.in पे जाएं और उसमें हेल्प सेक्शन में क्लिक करें तो आपको ये जानकारी वहां पे मिल जाएगी। अब कुछ प्रश्न और उत्तर देखने से पहले हम लोग एक बार पोर्टल पे चलते हैं और वो देखते हैं कि वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप देखें, मैं तो अब हम पोर्टल पे जाके देखेंगे, पोर्टल में आपको नजर आएगा कि कैसे इसके बारे में लॉगिन करना है और पासवर्ड कैसे डालना है, वो तो आपको पता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्प सेक्शन कहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने जैसे देखा होगा कि स्क्रीन में www.gst.gov.in मैंने टाइप किया, इसको टाइप करने के बाद हमारे पास ये हमारा पोर्टल खुल जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पोर्टल। इसमें आप नीचे की तरफ आए तो नीचे में आप एक हेल्प सेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, TDS, TCS, DSC के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक हियर टू गो टू हेल्प सेक्शन में क्लिक किया है, किया मैंने, तो ये जो भी हेल्प सेक्शन है वो पूरा खुल जाएगा। इसमें अगर आप देखें, आपने आपको एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है, पेमेंट के बारे में दिया है, इनवाइस अपलोड ऑफलाइन यूटिलिटी के बारे में दिया है। चूंकि हम लोग रिटर्न्स देख रहे हैं तो हम रिटर्न को क्लिक करेंगे। जब हम रिटर्न को क्लिक करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पे क्विक वीडियो का लिंक खुल गया है, इसमें से आप वीडियोस को देख सकते हैं, जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, जिसको इसका इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न को फाइल करने में आपको हेल्प मिलेगी। उसके नीचे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसका आप कुछ सामान्यतः बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो चीज़ जिसके बारे में मेंशन कर रहा था, बता रहा था, वो ये यूजर मैनुअल है, तो हम यहाँ पे यूजर मैनुअल को क्लिक करेंगे। तो आपने जैसे देखा होगा कि यूजर मैनुअल एक अलग विंडो में खुल गया है। तो सबसे पहले रिटर्न की जानकारी आती है, हमने यहाँ पे बगल में एक वो दिया हुआ है, कॉलम दिया है, उसको मैंने क्लिक किया और इसमें आप देखेंगे कि ओवरव्यू खुल जाता है, GSTR 1 का मैनुअल खुल जाता है, GSTR 2A का मैनुअल खुल जाता है, और नीचे में क्रिएट एंड सबमिट GSTR 3B का मैनुअल खुल जाता है। तो चूंकि हम GSTR 3B के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये आपको खोल देते हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आपने देखा होगा कि पूरा GSTR 3B को कैसे क्रिएट करना है, मतलब कैसे बनाना है और कैसे सबमिट करना है, वो यहाँ पे आ गया। अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा GSTR 3B आपके पोर्टल पे खुल जाएगा। आप नीचे में जाके किसी भी सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कैसे फाइल करना है और उसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो ये इसके बारे में विस्तार से अभी हम ऑनलाइन देखेंगे। तो अब मैं ऑनलाइन जाऊंगा और इसको भरने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये लॉगिन पेज है, ये आप ध्यान रखिए कि जो आपका लॉगिन पेज है वो अलग से आएगा, क्योंकि चूंकि मैं दूसरे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं दूसरी जगह से वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, इसी कारण आपको जो नजर आएगा वो अलग नजर आएगा और मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो दूसरा अलग स्क्रीन और नेविगेशन नजर आएगा, लेकिन बीच की बात ही अलग होगी। बाकी जो फॉर्म होगा वो आपको वैसे ही खुलेगा जैसा कि हमारे पास यहाँ पे अभी हम देखेंगे। तो जैसा आपको पता है कि आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको देना है, तो मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ और यूजर नेम पासवर्ड की चर्चा आपके सामने नहीं करता हूँ। तो मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, अब मैं यहाँ पे अपना नीचे में जो कैप्चा आया था वो मैं डाल रहा हूँ। तो
मैंने कैप्चा डाला और मैंने लॉग इन क्लिक किया, तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छूट गया था। ब्लैंक स्पेस मैं फिर से भर के कोशिश करता हूँ। ओ, रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत है। हाँ, अब ठीक हो गया। अब ये सिस्टम मुझे अलाउ करेगा। आप देखिए, मैं सिस्टम में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात की थी कि मैं यूज़र नेम पासवर्ड गलत डाल रहा था। तो जब भी लॉगिन करना पड़ता है तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जो यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं वो सही हो। मेरे रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग में ए स्पेलिंग छूट गई थी, तो सिस्टम मुझे बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा था कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है। तो सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम थी कि मैं यूज़र नेम पासवर्ड गलत डाल रहा था। तो अब इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे से पूछता है कि अपडेट पासवर्ड या नो। तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरा पासवर्ड सेव कर ले। इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है वो एक अलग किस्म का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि हम किसी और सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये पेज आपके सामने नहीं खुलेगा, आपके सामने GST पोर्टल का प्रॉपर पेज खुलेगा, जिसमें आपको लाइबिलिटी नज़र आएगी। तो उसमें से फिर आप रिटर्न सर्विसेज मीनू में आप ऊपर देखें, ये सर्विसेज मीनू है, इसमें क्लिक करने के बाद अगर आप रिटर्न को क्लिक करेंगे तो रिटर्न डैशबोर्ड में आप जा सकते हैं। ये यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड क्लिक करना है, लेकिन जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ उसमें रिटर्न क्लिक करने पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो मुझे फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेट करना है, चूँकि ये पिछले साल का मैं भर नहीं सकता, 2016-17 का, तो वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, 2017-18 आ रहा है। अब चूंकि क्या हुआ है, इस यूज़र लॉगिन में अगर आप, मैं आपको सबसे पहले जुलाई दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जुलाई मंथ सेलेक्ट किया और उसको सर्च फैसिलिटी मैंने डाल दी। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो मेरे सामने डैशबोर्ड खुल गया। ये डैशबोर्ड जो आपके सामने खुलेगा वो थोड़ा अलग खुलेगा, ये चूंकि मेरा लॉगिन अलग उसमें से हो रहा है, इसी कारण यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। तो फैसिलिटीज जो अभी आपको टैक्स पेयर को अवेलेबल है वो GSTR 1 फाइल करने की है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसकी ड्यू डेट यहाँ पे 5/9 नज़र आ रही है। इसको ऑनलाइन प्रिपेयर किया जा सकता है और ऑफलाइन प्रिपेरेशन भी की जा सकती है। और अगर आपके सप्लायर ने कुछ इन्फॉर्मेशन भर दी है तो वो आप यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल GSTR 2A में देख सकते हैं, जिसको आप व्यू भी कर सकते हैं और उसको चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं वो मंथली रिटर्न GSTR 3 भी है, इसका स्टेटस देखें सबमिटेड है। तो इस यूज़र नेम लॉगिन का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमने उसको टेस्ट करके देखा था और उसको हमने सबमिट कर दिया था, इसी कारण वो GSTR 3B का स्टेटस यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है। महीना कौन सा है, ये जुलाई का महीना है। और मैं यहाँ पे फाइल GSTR 3B अगर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ जाती है कि जो हमने डिस्कस किया था, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। तो अगर आप उस टाइल के ऊपर अपने कर्सर को ले जाएं, ये देखिए मैंने 3.1 पे ले गया, तो यहाँ पे ब्लैक से एक यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। जो भी इनवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज आपने दी है वो यहाँ पे आपको दिखानी है, इससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटर्मिन होती है। उसके ऊपर का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अपना GSTIN नंबर नजर आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर नज़र आ रहा है, उसके बाद नीचे में आपको रिटर्न का पीरियड जुलाई नज़र आ रहा है, आपको अपना लीगल नेम नज़र आ रहा है, स्टेटस नज़र आ रहा है GSTR 3B का, ये GSTR 3B यहाँ पे है, उसका स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है और ड्यू डेट भी दिखा रहा है कि 20/8 आपकी ड्यू डेट थी। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो जो भी आपकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पे आ गई है। तो जब सबमिट किया गया तो 2000 रुपये की इसकी इंटीग्रेटेड टैक्स लाइबिलिटी है, 400 रुपये की सेंट्रल टैक्स लाइबिलिटी है। और इंटर स्टेट सप्लाईज के बारे में अगर आप देखें तो उसमें आपको टैक्सेबल वैल्यू नज़र आ रही है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है वो नज़र आ रहा है, एलिजिबल ITC इस स्टाइल में आपको नज़र आएगी, आपने पेमेंट क्या किया वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और इंटरेस्ट और लेट फी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एग्जेम्प्ट और निल नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा की थी। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको टिक मार्क करता हूँ तो I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein
above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. तो यहाँ पे आपको आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही है और सच्ची है और आपके नॉलेज के अनुसार आपकी समझ के अनुसार और आपने कुछ भी कंसील नहीं किया है. फिर आप यहाँ पे टिक मार्क नहीं करने पे ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे वेबिनार का आपने देखा होगा कि आ गया कि मुझे ही अपना वेबिनार रेट करने के लिए आ गया था, मैं रेट नहीं करता हूँ. तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल यहाँ पे आ गई, तो मैं अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे ज्ञानेंद्र द्विवेदी को सेलेक्ट किया, तो इसका इस्तेमाल करके मैं फाइल GSTR 3B विद DSC कर सकता हूँ. तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक वार्निंग आ जाती है कि यू आर अबाउट टू फाइल GSTR 3B, वुड यू लाइक टू प्रोसीड. तो मैं इसको कैंसिल दबा सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ, या इसको मैं प्रोसीड दबा के प्रोसीड की स्थिति में चला जाऊँगा. तो सिस्टम मुझे अगले स्टेप पे ले जाएगा जिसपे कि मैं अपने रिटर्न को DSC का इस्तेमाल करके फाइल कर सकता हूँ. तो ये हम लोग जुलाई के महीने का देख रहे थे. अब हम क्या करेंगे कि हमने कुछ आगे की प्रक्रिया देख ली, कुछ बची हुई प्रक्रियाओं को हम यहाँ पे देखेंगे. तो मैंने अब क्या किया कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 सेलेक्ट किया है, रिटर्न का महीना अगस्त सेलेक्ट किया है और उसको सर्च करने पे मेरा अगस्त के महीने का रिटर्न यहाँ पे आ गया है. तो अब मैं मंथली रिटर्न GSTR 3B ऑनलाइन प्रिपेयर करूँगा. तो जैसा कि हमने क्लिक किया था तो उसमें टाइल्स में मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई. यहाँ पे स्टेटस देखिए नॉट फाइल दिखा रहा है, मतलब कि मैंने ये रिटर्न फाइल नहीं किया है. लेकिन बची हुई टाइल्स देखें 3.1, 3.2 और बची हुई टाइल्स वैसी की वैसी आ रही है. आपने पिछले में देखा था जुलाई के महीने में कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो था वो नीला आ रहा था, क्योंकि इस रिटर्न को मैंने भर दिया था और सबमिट कर दिया था, पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे कर दिया था, इसी कारण वो पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे नीला हो गया था. लेकिन अभी क्या है कि ये रिटर्न मैंने सबमिट नहीं किया है पोर्टल पे, तो ये मेरा अभी सेव रिटर्न है. तो देखिए यहाँ पे दो बटन है, एक बैक का बटन है, इसको बैक को दबाने में मैं पीछे चला जाऊंगा. सेव का बटन है कि मैं इन्फॉर्मेशन जो भी भरूंगा वो सेव कर सकता हूँ. और एक सबमिट का बटन आ रहा है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी भर दी है वो मेरे लिए काफ़ी है और सही है, मैं इसको सबमिट कर दूँ. यहाँ पे ख्याल इस बात का रखना है कि अगर आप सेव करके रखे हुए हैं तो ऊपर दी हुई जानकारी को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपका क्या होगा कि आप ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप बदल नहीं सकते. मतलब जो टाइल 3.1, 3.2, 4, 5 और 5.1 में इन्फॉर्मेशन है वो आपके द्वारा बदली नहीं जा सकती अगर आपने सबमिट बटन दबा दिया है. अगर आपने केवल सेव दबाया हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बदली जा सकती है. तो बस इस बात का ख्याल रखना है, सबमिट करने के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बदली जा सकती अप टू टाइल नंबर 5 में. सबमिट करने के बाद यहाँ पे पोर्टल पे आपका छठा जो पेमेंट ऑफ टैक्स का जो टाइल है वो आपका इनेबल हो जाएगा, वो आपको दिखने लगेगा, वो आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करने की स्थिति पे ले आएगा और जहाँ पे आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स जब हो जाएगा तब आप यहाँ पे ये जो दो बटन है फाइल GSTR 3B विद DSC एंड फाइल GSTR 3B विद EVC ये आपका इनेबल हो जाएगा. तो आपने देखा होगा कि पिछले में सेव GSTR 3B इनेबल नहीं था क्योंकि जुलाई का मैंने सबमिट कर दिया था, और लेकिन यहाँ पे मैंने सबमिट नहीं किया है तो सेव भी इनेबल है, सबमिट भी इनेबल है. जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो फाइल GSTR 3B विद DSC एंड विद EVC भी इनेबल हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक टाइल है TDS TCS, वो इनेबल नहीं होगी क्योंकि ये नोटिफाई नहीं किया गया है, तो ये आपका नहीं होगा. अब दोस्तों कुछ समय थोड़ा कम बचा हुआ है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको भर के दिखा देता हूँ. इसमें से कुछ डाटा मैंने पहले से भरा हुआ है. तो यहाँ पे दो बटन है कैंसिल, कैंसिल दबाने से मैं वापस उसी टाइल में आ जाता हूँ और कंफर्म दबाने से भी मैं उसी टाइल में आ जाता हूँ. तो अंतर क्या हुआ, कंफर्म दबाता हूँ तो वापस मैं वहाँ पहुँच गया और कैंसिल दबाता हूँ तब भी वहीं पहुँच गया. तो अगर आप मैंने केवल कन्फर्म दबाया तो क्या होता है, यहाँ पे एक मैसेज आता है यू हैव अनसेव चेंजेस, मतलब जो भी चेंजेस मैंने किए थे वो अनसेव्ड हैं. और अगर मैं लॉग आउट कर जाऊँ तो जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, बाद में मैं लॉग इन करूँगा तो नज़र नहीं आएगा. तो प्लीज़ क्लिक ऑन सेव बटन. तो यहाँ पे सिस्टम मुझे प्रॉम्प्ट करता है कि सेव बटन दबाओ, तो मैंने यहाँ पे सेव बटन दबा दिया. तो सेव रिक्वेस्ट रिसीव, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव रिक्वेस्ट आ गया, जो भी इन्फॉर्मेशन को चेंज मैं करूँगा वो यहाँ पे सेव आ जाएगा.
तो इसको हम लोग फिर से पुनः करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू दी गई है, ये टैक्सेबल वैल्यू को मैं थोड़ी संख्या बढ़ा देता हूँ, तो ये 50 लाख हो गया। इंटीग्रेटेड टैक्स की लाइबिलिटी मेरी हो गई। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज की, यहाँ पे पहले संख्या 50,000 थी, वो यहाँ पे 50 लाख कर दी, और मैंने यहाँ पे कन्फर्म किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, और सिस्टम मुझे फिर से बोल रहा है कि यू हैव अनसेव चेंजेस, प्लीज क्लिक ऑन सेव बटन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव जी एस टी आर 3B दबाता हूँ। उसी तरह से इंटर स्टेट सप्लाई को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन आ रहा है। इसमें मैं स्टेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टेट किस स्टेट, या आपको स्टेट वाइज देनी है इन्फॉर्मेशन, टोटल टैक्सेबल वैल्यू देनी है एंड अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स देना है। उसी तरह से सप्लाईड मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन आपको यहाँ पे देना है, लेकिन ख्याल रखें ये इंटर स्टेट सप्लाईज ही केवल देनी है। उसी तरह से सप्लाईज मेड टू UN होल्डर भी आपको देना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने केरला में किसी UIN होल्डर को दिया, उसको मैंने 4,000 रुपये का सामान दिया, जिसमें मेरी 40,000 रुपये का सामान दिया, जिसमें मेरी टैक्स लाइबिलिटी 1,000 आई, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखिए वो यहाँ पे ऐड होकर आ गया। अब मैं दूसरा भी करता हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर में भेजता हूँ, और वहाँ पे 50,000 रुपये का सामान भेजता हूँ, जिसमें मेरी टैक्स लाइबिलिटी 1,000 रुपये है, तो वो मैं इसको ऐड कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ रिमूव करना, तो मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे और इसको रिमूव दबा दिया, तो वो रिमूव हो गया। चूंकि मैंने केरला को ऐड किया था, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिस्टम मुझे बोल रहा है कि ये अनसेव चेंजेस, इसको आप सेव करें। तो मैं यहाँ पे आके इसको सेव दबा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सबमिट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी एलिजिबिलिटी ITC की बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे ITC ज़्यादा देना है। तो आप देखें यहाँ पे ITC की जो अदर ITC है, मैं यहाँ पे संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसी संख्या मैं डाल रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक्चुअल संख्या डालनी पड़ेगी। तो ये मैंने अपनी संख्या बढ़ा ली, और यहाँ पे आके मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सबमिट करूँगा, ताकि लेकिन सबमिट करने के बाद मैं इसमें से कोई भी टाइप में कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि ऐसा है मैं करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बटन जो है इनेबल नहीं है, मतलब चूंकि मुझे DSC का इस्तेमाल नहीं करना है, कौन ऑथोराइज सिग्नेटरी इसको सबमिट करना है उसकी जरूरत नहीं है, तो ये बटन यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि CGSTR-3B मैं सबमिट नहीं कर पाया। मैं क्यों नहीं सबमिट कर पाया, क्योंकि मैं अगस्त के महीने का मैं भर रहा हूँ, और अगस्त का महीना पूरा नहीं हुआ है, तो ये मुझे सबमिट करने की के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। और चूंकि मैंने जुलाई के महीने का ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखा सकता, वरना मैं वो आपको दिखाता। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने GSTR-3B कब फाइल करना है और क्यों फाइल करना है उसके बारे में चर्चा की, GSTR-3B के वेरियस आस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा की, और पोर्टल में मैंने आपको दिखाया कि GSTR-3B को कैसे सेव करना है या कैसे उसको सबमिट करना है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो जुलाई के महीने का भी दे दिया, जिसमें हमने टैक्स का पे करके देखा था कि GST के द्वारा फाइल कर सकते हैं, EBC के द्वारा फाइल कर सकते हैं, और हमने अगस्त के महीने का भी देख लिया कि सेव कैसे कर सकते हैं, सबमिट कैसे कर सकते हैं, और कैसे पोर्टल हमें बोलता है कि आपका इन्फॉर्मेशन सबमिट है नहीं है। अब मैं कुछ सवाल के बारे में जल्दी जल्दी आपको जवाब दे देता हूँ। पहला एक सवाल आया है कि क्या GSTR-3B रिवाइज किया जा सकता है। जब तक कि जैसे कि हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि जब तक कि वो सेव है, तब तक आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, तो उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपका सवाल शायद ये है कि मैंने EVC के द्वारा या DSC का इस्तेमाल करके कर दिया है, तब भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं, आप नहीं कर सकते। एक बार आपने GSTR-3B फाइल कर दिया है, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस है, तो GSTR-3 फाइल करते वक्त आप बचे हुए कर का भुगतान कर सकते हैं, या अगर आपने ज्यादा कर का भुगतान कर दिया है, तो वो बचा हुआ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो आपके लेजर में, क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि हाउ टू फाइल GSTR-3B रिटर्न। तो रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉग इन करेंगे पोर्टल पे। पोर्टल पे लॉग इन करने के बाद आप जैसा मैंने आपको दिखाया था, रिटर्न के डैशबोर्ड पे जाएंगे। रिटर्न के डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, सर्विसेज मेनू में रिटर्न्स के डैशबोर्ड में जाएं।
रिटर्न्स में रिटर्न का डैशबोर्ड अगर आप चुनें, ये बहुत ही सेंसिटिव है, आप देखेंगे कि हल्का सा चेंज होने पे वो नीचे का मेनू चेंज कर देता है। तो रिटर्न्स में आप धीरे से रिटर्न्स के डैशबोर्ड में जाइए और यहाँ पे आप उस महीने का रिटर्न खोजिए कि जो रिटर्न आपको फाइल करना है, यहाँ पे सर्च बटन दबाइए और यहाँ पे मंथली रिटर्न GSTR 3B को फाइल करने के लिए क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप GSTR 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी टैक्स में रजिस्टर्ड थे, जो कि माइग्रेट किया गया है GST रिजीम में, उसके लिए आवश्यक है कि वो पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जरूर भरे। अगर आपने पार्ट बी ऑफ द फॉर्म नहीं भरा है, सबमिट नहीं किया है, तो आप GSTR 3B नहीं भर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे पहले आवश्यकता ये है कि आप पार्ट बी ऑफ एनरोलमेंट एप्लीकेशन जरूर भरें। अब सवाल था हाउ टू गेट द रिटर्न फाइलिंग स्क्रीन, तो वो हमने देखा कि सर्विसेज मीनू में रिटर्न के नीचे जाके आप रिटर्न फाइलिंग स्क्रीन को देख सकते हैं। और अगला सवाल आता है कि इज GST पेएबल वाइल फाइलिंग GSTR 3B रिटर्न। यस, आप वैलिड GSTR 3B रिटर्न ही फाइल कर सकते हैं, मतलब आपकी आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपको पे करनी है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जब पूरी तरह से टैक्स का पेमेंट कर देंगे तभी आप उसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पेमेंट भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप पेमेंट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अगर कैश पेमेंट करना है, आपके पास उतना क्रेडिट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्रिएट चालान में जाएंगे। क्रिएट चालान को क्लिक करके आपके पास एक चालान खुल जाएगा कि ये लाइबिलिटी चालान आ गया कि कितना आपको भरना है। तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपये भर देता हूँ। IGST की लाइबिलिटी मान लीजिए मेरी 20,000 रुपये है, मैं वो यहाँ भर देता हूँ। सेस की लाइबिलिटी मेरी मान लीजिए 5,000 रुपये है, तो मैं यहाँ भर देता हूँ। और मान लीजिए SGST की लाइबिलिटी मेरी 4,500 है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो इसके द्वारा आप देखेंगे कि टोटल संख्या आ गई 39,500 रुपये की। फिर मुझे पेमेंट का मोड सेलेक्ट करना है, मैं ई पेमेंट कर सकता हूँ। ओवर द काउंटर पेमेंट मैं नहीं कर सकता क्योंकि 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। मैं NEFT RTGS का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं रिमिटिंग बैंक को सेलेक्ट करूँगा NEFT RTGS में। तो इन तीनों मेथड के द्वारा मैं कर सकता हूँ। मैं ई पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ और चालान को जनरेट करता हूँ। NEFT RTGS में बैंक डिटेल अभी नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पे जनरेट चालान मैं यहाँ पे कर दिया। तो मैंने अपने चालान की जो रिक्वायरमेंट थी वो भर के मैंने चालान को जनरेट कर दिया। तो आप चालान को देखेंगे, यहाँ पे एक CPIN नंबर आ गया है, चालान की जनरेशन और डेट आ गई है 3:28:15 और 3:30 तक मेरा सेमिनार था, कुछ थोड़ा सा समय बचा है। और चूंकि मैंने 16 तारीख को इसको चालान जनरेट किया है, यहाँ पे चालान की एक्सपायरी डेट भी आ रही है 31 तारीख। इस चालान का मैं इस्तेमाल 31 तारीख तक ही कर सकता हूँ, उसके बाद ये चालान एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे दूसरा चालान जनरेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ रहा है मेरा, ऑथराइज सिग्नेटरी का मोबाइल नंबर आ रहा है, मेरा एड्रेस भी आ रहा है, तो चालान में सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। ये CPIN नंबर बैंक को जाएगा, बैंक जब कंफर्मेशन देगा तो आपका कैश लेजर अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मैं मान लीजिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया है, मैंने यूं ही सेलेक्ट किया है, कोई विशेष बात नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को सेलेक्ट करके मेक पेमेंट करना चाहता हूँ, तो वो मुझे बैंक के पोर्टल पे ले जाएगा जहाँ पे जाके मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ और उसका रिटर्न को मैं अपनी फाइल कर सकता हूँ। ये मैं वापस वहाँ पे अपने उस पे आ गया, यूजर मैनुअल पे आ गया। अब एक सवाल, आखिरी सवाल, कैन वी अवेल ट्रांजिशनल क्रेडिट इन GSTR 3B। आप ट्रांजिशनल क्रेडिट GSTR 3B में अवेल नहीं कर सकते। और ये जैसा कि हमने चर्चा की, Trans-1 और Trans-2 फॉर्म आने के बाद आप उसका अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये GSTR 3B के बारे में जानकारी थी। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ये जानकारी आपके LMS और NEGD के पोर्टल पे भी अवेलेबल है, जो कि आपको ईमेल पे आई होगी। कृपया इसको सबको शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और इसका इस्तेमाल करके वो रिटर्न को फाइल कर सकें। और याद रखें, जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने का रिटर्न आपको 20 अगस्त तक फाइल करना है। 16 अगस्त की आज की तारीख है, आप पूरा टैक्स पे करके ही आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।